नमस्कार बच्चों, मैं हरी सर एक बार फिर आप सभी बच्चों का चलो कदम बढ़ाई चैनल पर धन्यवाद करता हूं और इसको सपोर्ट करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। आइए बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 14.1 के क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड और फोर्थ पार्ट। देखिए बच्चों, इसमें फैक्टराइज करना है और कैसे करना है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल ईजी है। आइए देखिए सॉल्यूशन। सबसे पहले मैं इस नंबर को लिख लेता हूं, क्वेश्चन को लिख लेता हूं, बी एक्स माइनस ए वाई माइनस बी वाई। ठीक है बच्चों, आपको करना क्या है, ठीक वही करना है। फोर टर्म है हमारे पास, आपको ग्रुप बनाने हैं टू का। ठीक है, ये बन गए ग्रुप। तो इस ग्रुप में से, इस पेयर में से आपको कॉमन नंबर क्या नजर आता है जो दोनों में हो? जी हाँ, एक्स। एक्स निकाल लीजिए, और तो कोई नंबर नहीं है। ब्रैकेट बनाएंगे, ए प्लस बी। ठीक है बच्चों, ये माइनस का साइन यहां पर। अब और इन दोनों ग्रुप में आपको वाई नजर आएगा, ये देखिए वाई इधर भी है, तो वाई ब्रैकेट बनाएंगे। अब आपको एक चीज का ध्यान रखना है, इसके सामने ए वाई के सामने माइनस का साइन था, मैंने माइनस का साइन बाहर निकाल लिया है, यानी ये माइनस का था और ये अब हो गया प्लस का। ठीक है बच्चों, ये साइन चेंज हो गया है, तो ये साइन भी आपको चेंज करना होगा। ठीक है, माइनस का तो प्लस का बनाना होगा, और यहां पर बी। ठीक है बच्चों, या तो आप ऐसे कर सकते हैं या फिर आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए यहां पर माइनस का साइन मैंने बाहर निकाल लिया है, और ये तो प्लस का हो ही गया, आपको पता है, और माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस, तो भी आप प्लस का साइन लगा सकते हैं। ठीक है, आप आपको करना है क्या, एक तो ब्रैकेट से बाहर जो नंबर है उनको लिखना है, और एक ब्रैकेट में से ए प्लस बी। ठीक है बच्चों, ये आपके कॉमन फैक्टर आ गए हैं। छोटा सा क्वेश्चन था, अब आइए अगले पार्ट पर चलते हैं। यहां पर इसको मैं एक बार फिर लिख लेता हूं, ये देखिए। और इसको लिखने के लिए मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूं। सबसे पहले बच्चों, जो एक्स वाई पी क्यू के टर्म होते हैं उनको हम सबसे पहले लिखते हैं, और जो खाली डिजिट होते हैं उनको लास्ट में लिखते हैं। अब ये इसके देखिए, यहां पर सेकंड टर्म जो है ये 15 है, इसके साथ कोई एक्स वाई जेड पी क्यू नहीं लिखा हुआ, तो इसको लास्ट में लिखना है, और बाकी इनको आप आगे लिख लीजिए, 9 क्यू प्लस 25 पी और इसको प्लस 15। आपको इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिखना होगा। ठीक है, आइए फिर इसका पेयर बना लेते हैं, ये देखिए बन गया। आप इसमें से देखिए 15 और 9, इनमें से कॉमन संख्या निकालिए, क्या कॉमन में आता है इसमें, 3 की टेबल है, 3 की टेबल में 9 भी आएगा और 15 भी आएगा, तो 3 कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसमें क्यू भी है, क्यू भी बाहर निकाल लीजिए। अब 3 की टेबल में ये कहाँ पे आएगा, 5 पे। ठीक है, 5 और पी प्लस का साइन, यहाँ पे बचा 3, 3 जा 9। ठीक है बच्चों, ये आ गया, इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं, ये प्लस का साइन। अब इन दोनों में 5 की टेबल में 25 भी आएगा, 15 भी आएगा, तो 5 कॉमन आ जाएगा, और 5 की टेबल में ये 25 5 पे आता है, तो 5 लिख दीजिए, और ये p प्लस, और 5 की टेबल में 15 आएगा 3 पे, ये हो गया। ठीक है बच्चों, दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर आ गए। आइए हम जो ब्रैकेट से बाहर पहले उसको लिख लेते हैं, पहले किसी को भी लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आइए, दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर है, इनमें से एक ब्रैकेट को लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, आप चाहे तो पहले ब्रैकेट वाले का नंबर लिख सकते हैं, यानी ये आगे आ सकता है, ये पीछे आ सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लिकेशन में ये ऐसे हम कर सकते हैं। तो बच्चों, ये थे क्वेश्चन, आपको कैसे लगे, बहुत ही आसान थे, और आप इसमें से सीख कर दूसरे बच्चों को जरूर सिखाएं। चलो कदम बढ़ाएं, देश को शिक्षित बनाएं। मिलते अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।